असामाजिक तत्वों व नशे के कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मोहल्लेवासी पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। पाली के मंडिया रोड स्थित कालू जी बगीची के पास असामाजिक तत्व नशे का कारोबार कर रहे युवकों को नशे की आदत डाल मोहल्ले में आने जाने वालों के साथ झगड़ा करने व गाली गलौज करने से परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय मोहल्लेवासियों ने पुलिस अधीक्षक कालू राम रावत को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित का कहना है कि हमारे मोहल्ले कालू जी बगीची में असामाजिक तत्वों के द्वारा नशे का कारोबार किया जा रहा है, जिनके चलते युवा नशे में आकर मारपीट करने व गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। हमारी मांग है कि ऐसे नशेड़ी व नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हम शांति से रह सकें। ये आज जो ज्ञापन देने के लिए, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मोहल्ले में नशे और दारू गांजा तंज पीने वाले बच्चे हैं, जितने भी बदमाश बच्चे आतंक कर रखा है। और 27 तारीख को मेरी माता जी गेट के बाहर बैठे थे, उनके साथ दिन में 3 बजे मतलब ब्लेड से उसने गले में मादले काटे और दौड़ी करी और माता के साथ सीना झपटी करी। उस कारण माता जी ने चिल्लाए, खून आ गया उनके, खून आने से माता जी चिल्लाए तो हम लोग बाहर आए, वो भाग के चला गया। धीरज कुमार पुत्र मोतीलाल जी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उसको सजा हो और ये धंधा बंद हो। हमारे यहाँ के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, ये चोरी के, उठाई गिरोह के, ये दारू पीना, दारू बेचना और ये 2 नंबर के इसमें के धंधे जो भी कर रहे हैं, जितने भी बदमाश बंदे हैं उनको मतलब बंधक में ले और उनको मतलब सजा दिला।